हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज सबकी छुट्टी है घर में, मतलब सबकी नहीं, छोटू डोरी की छुट्टी है। तो छोटू यहाँ पे कुछ कर रही है, मम्मी तो यहाँ पे झाड़ू लगा रही है अभी, और डोरी ऊपर कुछ कर रहा है। तो अभी हम लोग सुबह सुबह उठे और काम चालू है घर के, पापा ऑफिस चले गए हैं। तो गाइस, पापा ना ट्रेनिंग के लिए मुंबई जाने वाले हैं आज, तो मम्मी यहाँ पे उनका टिफ़िन के लिए पराठे और ये सब बना रही है, क्योंकि ट्रेन में खा लेंगे, शाम में पहुँचेंगे तो कल, तो आज अभी खा कर जाएंगे यहाँ से और शाम में टिफ़िन से खा लेंगे ट्रेन में बैठ के। तो अभी हम लोग यहाँ पे टिफ़िन पैक कर रहे हैं। एक अंकल और है ना, उनके फ्रेंड भी है, तो उनके फ्रेंड के लिए भी ले जाना है, तो एक ही उनका और एक इसको भी पैक करेंगे। गाइस, आप सबको पता है जैसे कि पापा जाने वाले बाहर, तो पूरा टिफ़िन रेडी हो चुका है, ये सब पैक हो गया। ये सब रोटी, क्या क्या पैक किया तुमने? ये सब्जी है, वो दो पराठे हैं। ये सब्जी है, ये चावल है और वो दो पराठे, दो मतलब दो अलग अलग पराठे। तो गाइस, ये लोग ना नाम रख के नाम लिख के रख रहे हैं, सॉरी, इस पे कि ये राइस है, वो सब्जी है, वो पराठे है। छोटू लिख रही है इसमें, ये दोनों में राइस है और उधर उसमें सब्जी में क्या लिखेगी, सब्जी तो समझ जाएंगे कि इसमें। फिर भी लिख दो यार, लिख दे, क्या कर रहे थे सब्जी, तो समझ गए थे इसमें वही होगा ना। अरे लिख दे ना, क्यों लिखना, सब्जी लिखना नहीं आ रहा क्या तुझे? अरे ये लोग ऐसे ध्यान नहीं देंगे और कर लेंगे। सब्जी लिख दिया स्पेस ने, थैंक यू छोटू। अब उनको इजी हो जाएगा ना। तो गाइस, इनका पूरा टिफिन अभी रेडी हो गया है, बस पानी की बोतल की बहुत इंतजार है, तो वो भी भर के रख देंगे हम लोग। पूरा तैयार है मस्त सुंदर तरीके से, लेकिन पापा खुश होंगे कि नहीं फिर भी, क्यों छोटू? हाँ है ना छोटू। गाइस, अभी पापा ऑफिस से आ चुके हैं और अभी पापा ने मस्त खाना आना भी खा लिया, खाना पैक भी कर दिया है, क्योंकि गाइस पापा को जैसे कि तत्यन बताया ना दिन में कि अभी पापा को जाना है आपके पापा के ऑफिस के काम के लिए, तो अभी से तुम लोग अभी से क्यों जा रहे हैं? पापा की ट्रेन तो 1:30 बजे है। हाँ तो बैठ जाओ, अभी पापा 1:30 बजे जाएंगे, मुंबई जाना है ना पापा को। अभी ये लोग टेस्ट कर रहे हैं कि गाड़ी में सूटकेस आगे बनती है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं बनेगी। अरे नहीं बनेगी ना गाड़ी में, नहीं गाड़ी चलाने वाला पैर कहाँ रखेगा? तो गाइज, अभी टाइम हो चुका है पापा के जाने का, क्योंकि पापा की ट्रेन है 1:30 बजे की, मतलब 1:30 बजे तो निकल जाएंगी, तो पहले से जाना पड़ेगा स्टेशन, इसलिए भी तत्या तैयार हो चुकी है पापा को गाड़ी छोड़ने जाने के लिए। सोचा था कि कार में जाएंगे, फिर सोचा नहीं जाएंगे क्योंकि कार बहुत गंदी है, तो अभी ये टू व्हीलर से ही जा रही है, तो अभी जाएगी। अभी तत्या गाड़ी निकाल रही है, लेकिन गाइस चलाना तो पापा को है, क्योंकि गाइस पता नहीं तत्या शायद वहाँ पे वीडियो बनाएगी तो आपको भी दिखाएंगी। बाय बाय गाइस, अभी हम निकलने वाले थे तो पापा को याद आया कि पापा को ईयरफोन रख लेना चाहिए, क्योंकि पापा ना फेसबुक के वीडियो देखते रहते हैं और ट्रेन में सबको मतलब इरिटेट होगा अगर ईयरफोन नहीं लगाएंगे तो। लेकर आओ यार, चलता है कि नहीं पता चले, बंद वाला दे दिया, इसमें रखेंगे क्या? सब रख दो जी में, चलो अब हम लोग चलते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग निकल तो गए, लेकिन ना रास्ते में थोड़ी भीड़ ही है, मतलब एकदम खाली रास्ता नहीं है, तो पहुंचने में ऐसा लग रहा है कि हम लेट ना हो जाए। गाइस पता नहीं पापा ये कौन से नए रास्ते से लेके जा रहे हैं, यहाँ से तो मैं कभी नहीं आई हूँ। तो गाइस, अभी हम ना ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं, शायद से आस पास ही आ गए, मुझे तो रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा पापा कहाँ कहाँ से लेके आए, क्योंकि हम लोग लेट हो गए अभी, कितना 1:06 हो गए और पापा की 1:30 पे ट्रेन है। एकदम जाके भी तो थोड़ा प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। हाँ गाइस, हम लोग अभी आ गए हैं स्टेशन के एरिया में, थोड़ा सा एंटर हो गए हैं और अब पापा को ड्रॉप करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, स्टेशन का गेट ना आगे है, यहाँ से चालू हो गया है। यहाँ पे ना मार्केट भरा हुआ है, यहाँ पे ना ये पूरा सब सेकेंड हैंड सामान मिलता है, कि मतलब जो पुराना है इसको वापस से रीसेल करने के लिए। और हम लोग स्टेशन में अभी एंटर हो गए हैं, कहाँ छोड़ेंगे आपको? यही आएगा आपका प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म हाँ। सूटकेस भी निकाल लिए, ये झोला अभी हाँ, अरे हेलमेट तो निकालो,
का बज रहा था पता नहीं, उनका ही होगा। बाय बाय। हाँ जाओ, हैप्पी जर्नी। पापा जा रहे हैं गाइस अभी अंदर। बाय, अब हम लोग चलते हैं घर। पापा तो चले गए अंदर, अब चलो घर। तो गाइस अभी मम्मी ने तो एक कालीन वाले भैया को रोक दिया था और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बना रही थी ना, मैंने उनको वीडियो बनाने बोल दिया। और अभी मम्मी ने गली में चलते हुए कालीन वाले भैया को रोकने बोले कि हमको कालीन दिखा दो, मम्मी को कालीन लेने का मन था। गाइस इतने अच्छे अच्छे कलर कलर के कालीन दिखा रहे हैं हमें, मतलब ऐसे बहुत सारे। मैं ही वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो गाइस अभी देखो तत्या आ चुकी है, वो अभी वो वॉशरूम में गई है वैसे तो पैर धोने। और अभी मम्मी ने ना कारपेट ले लिया ग्रे वाला, अभी वो अंकल पैक कर रहे हैं और अभी रख देंगे। तो गाइस अभी बच चुके हैं 3 और अभी मैं हो गया हूँ तैयार, मम्मी भी तैयार हो रही है। क्योंकि गाइस क्या है ना, मैंने ना अभी कुछ दिन पहले आईकेड का स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दिया था, ये सोच कर कि मैं फ्यूचर में 11th 12th आईकेड से करूँगा। तो अभी वहाँ जाते हैं, रिजल्ट आ चुका है। वैसे तो गाइस उनको फोन पे रिजल्ट नहीं बताया, वो बोल रहे थे आना ही पड़ेगा, इसलिए मम्मी और मुझे जाना पड़ रहा है। 3 बजे इसलिए जा रहे गाइस क्योंकि अभी 5 बजे मुझे ट्यूशन भी जाना है ना, और इसलिए अभी हमें हम लोग 3 बजे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आधा पौन घंटा तो लगना ही है। तो अभी चलते हैं। चल दिए गाइस अभी हम लोग मम्मी और मैं, और पहुँच जाएंगे 5-10 मिनट में। वैसे इतना दूर नहीं है गाड़ी से, साइकिल से जाएंगे तो दूर ही है। तो गाइस वैसे तो अभी हम लोग बहुत पास में आ गए पता नहीं, लेकिन अभी थोड़ा दूर तो है, बस पहुँच ही गए। ये बिल्डिंग क्रॉस हुई, फिर सामने वाली जो बनती है बिल्डिंग उसको भी क्रॉस करके, और फिर बस थोड़ा सा आगे पहुँच गए गाइस। बस ये जो फर्स्ट चॉइस आपको ये पीला पीला दिख रहा ना, ये वाला नहीं, ये वाला, ये ही लिखा है आईकेड। तो अभी चलते हैं गाइस, मैं आपको अंदर का तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन आपको अभी यहीं से दिखाता हूँ, और अभी जब हम लोग वापस आ जाएंगे ना तब आपको बताऊँगा क्या क्या हुआ अंदर। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं वापस, और मैं वापस गाड़ी बैठ चुका हूँ क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी 1 घंटा हो चुका है हम लोग अंदर से आए हुए, और गाइस मुझे 25% की स्कॉलरशिप मिली है, तो वही देख रहा था पेपर मिला है, वो भी पढ़ता हूँ गाड़ी से। तो गाइस अभी हम लोग वहाँ से निकल गए और अब मैंने पढ़ भी लिया पर्ची पर, मेरे को बिल्कुल नहीं समझा। मेरे को 25% की स्कॉलरशिप तो है पर समझ नहीं रहा क्या कैसे कैलकुलेशन है इनका। और अभी सिग्नल चालू हो गए तो अभी चलते हैं घर। कोरोना वहाँ गोली बड़ा पाव के वहाँ गया है, अभी वहाँ क्या पता क्या बोल रहा, क्या बोल रहा, 5 मिनट में आने लग जाएगा नंबर। तो गाइस अभी हमने रास्ते से ले भी लिया गोली, तो अभी चलते हैं घर, गोली खा के फिर मेरे को ट्यूशन भी जाना है। तो गाइस अभी मैं तो घर आ गया हूँ, और गाइस लेकिन मम्मी ने अभी मुझे घर छोड़ दिया क्योंकि गाइस अभी मम्मी गई है दूध लेने के लिए। और गाइस अभी घर में आपको थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि गाइस अंधेरा इतना है नहीं, बाहर की लाइट आ रही है, बस कैमरा में अंधेरा दिख रहा है। तो अभी आपको आप गोली खाते हुए दिख। तो गाइस डोरी अभी अभी आया था बाहर से और अभी वापस ट्यूशन जाने के लिए रेडी हो गया, और मम्मी यहाँ पे मौसम भी खा रही है। तो डोरी क्या तू वो खा रहे, ये कैसे करा, पीस नहीं निकली, मम्मी ने कैसे काट लिया, निकलते ना ये ले, ऐसे क्यों काटा, ले स्लाइस, वो क्यों नहीं काटे एक एक। धूरी तू ट्यूशन जा, 5 बज चुके हैं। एक भी दिन छुट्टी नहीं रहेगी, और वहां हाँ संडे को भी, बाप रे। और तू जाओ डोरी, आके खा लेना घर, और एक ही थोड़ी होगी, ले नहीं नहीं ऑरेंज से बेटर मौसम भी होती है, लेते को भी देते नहीं, मेरा है कि खा के पड़ा होगा कहीं, भेजनी है क्या। बाय डोरी, गेट लगा ले। तो गाइस अभी मैं ब्लॉग को करता हूँ क्योंकि गाइस अब ब्लॉग आने का टाइम हो चुका है, इसलिए ब्लॉग को करते हैं। तो कर गाइस आज आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो ब्लॉग को जाके लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और गाइस एक अच्छा सा कमेंट छोड़ जाओ। तो बाय।